उपचुनाव जो हो रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह जी हैं उनके चुनाव कार्यालय का चैनपुर में आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है और उद्घाटन के अवसर पर हम तमाम लोग उपस्थित हैं और मतदाता मालिकों से निवेदन करेंगे कि वो एकजुट होकर एकमत होकर के लालू जी तेजस्वी जी राबड़ी जी इना साहब साहबुद्दीन साहब के मतलब विचारों को मजबूत कीजिए और एकजुट होकर के सभी वर्ग के भाई समाज के सभी भाई नौजवान बुजुर्ग और हमारे दलित अति पिछड़ा पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक सभी समाज के भाई मिलजुल करके 21 तारीख को ललटेन पर बटन दबा करके उमेश कुमार सिंह जो एक नौजवान है जिन्हें लालू जी ने टिकट दिया है उन्हें भारी मतों से जिताने का काम करें, ये क्षेत्र के विकास करेंगे और विकास राष्ट्रीय जनता दल के ज़माने में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे राबड़ी जी भी थी हम लोग थे साहबुद्दीन साहब थे जितना सिवान का विकास हुआ उतना विकास अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और दरौंदा विधानसभा में तो विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जो यहाँ प्रतिनिधि कोई मतलब 13 बरस रहा कोई 10 बरस रहा आ कोई वर्तमान में भी है पूर्व से है तो उन लोगों के विकास कहीं दिखलाई नहीं पड़ता है, इसलिए क्षेत्र की जनता निराश है और विकास करने वाले प्रत्याशी को चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि उमेश कुमार सिंह पूरे नौजवान हैं कर्मठ है योग्य हैं और सबको लेकर चलेंगे, इनसे किसी को कोई भय नहीं है, ये साधारण आदमी है कर्ज करता है और इस दरौंदा के चाहे सिसवन और चैनपुर का हो या आपका हसनपुरा का हो या दरौंदा का हो चारों तरफ चौमुखी विकास करने के लिए ये काम करें।